हेलो दोस्तों, वेलकम टू आईटी स्पोर्ट हिंदी। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो है यूट्यूब के ऊपर आप वीडियो ऐड कैसे लगा सकते हैं और इसकी सेटिंग आप किस तरह कर सकते हैं। अगर आपकी यूट्यूब वीडियो के ऊपर व्यूअर नहीं आ रहे या फिर उन्हें लोग देख नहीं रहे तो उसकी सेटिंग आप किस तरह करेंगे उसके बारे में बात करूँगा मैं, और उसके बारे में आपको डिटेल से समझाऊँगा कि आप अपने YouTube ऐड के ऊपर एडवर्ड के थ्रू कैसे व्यूअर बढ़ा सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज़ जो फ्रेंड मेरे चैनल में या इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए। मैंने बहुत सी वीडियो बनाई हुई है, प्लीज़ वो वीडियो को भी देखिए। अगर कोई क्वेरी है या कोई क्वेश्चन है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, ये कैंपेन है, मेरी पुरानी कैंपेन है एक, तो मैंने अभी कोई कैंपेन रन नहीं कर रहा हूँ। मेरी ये कैंपेन है, तो मैंने कैंपेन इसके अंदर मैंने दो ग्रुप बनाए हुए हैं ऐड के। ये फर्स्ट ग्रुप है जिसके अंदर मेरी तीन वीडियो चल रही हैं, और ये सेकंड ग्रुप है जिसके अंदर मेरी तीन वीडियो चल रही हैं। ठीक है फ्रेंड, क्योंकि ये ऐड बंद हो चुकी है, काफ़ी टाइम हो गया है, तो मैं आपको बताऊँगा कि बेसिक सेटिंग क्या होती है और आपने क्या क्या सेट करना है अपने इस ऐड को अच्छा बनाने के लिए या लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा दिखाने के लिए। ठीक है फ्रेंड, हम शुरू करते हैं। अब मैं आपको वो चीज़ें बताने वाला हूँ जिससे आप अपनी ऐड को बहुत अच्छा बना सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचा सकते हैं। सबसे पहले आपने काम करना है, आपने जाना है सेटिंग के अंदर। सेटिंग पे क्लिक करने के बाद ये आप तक कुछ ऑप्शन ही आ जाएगी। सबसे पहले आपने काम करना है डिवाइस पे जाना है। डिवाइस पे जाते ही फिर आपने ये देखना है कि कितने परसेंट लोग आपकी ऐड को किस पे देख रहे हैं। मोबाइल पे ऊपर देख रहे हैं तो उसे 20 कर दीजिए, और अगर कंप्यूटर पे भी देख रहे हैं तो उसे 5% कर दीजिए वहाँ पे। अगर कंप्यूटर पे नहीं देख रहे सिर्फ मोबाइल पे देख रहे हैं तो उसे 20% कर दीजिए। सबसे फर्स्ट टाइम आपने ये करना है। इसके बाद आपके करने के बाद आपने आना है लोकेशन के अंदर। मेरी ऑल ओवर इंडिया थी, तो मैं चाहूँगा कि आप जब भी कोई वीडियो बना रहे हैं यूट्यूब के अंदर चला रहे हैं तो उसे ऑल ओवर इंडिया ही रखें कि सारा इंडिया देख सके वो वीडियो। अगर आप इंग्लिश में बना रहे हैं तो ऑल द वर्ल्ड रख सकते हैं आप। अगर आप हिंदी में बना रहे हैं तो प्लीज़ आप वीडियो को इंडिया के लिए रखिए या पाकिस्तान को भी ऐड कर लीजिए। बट अगर आप इंडिया से बाहर दिखाना चाह रहे हैं तो फिर आपको इंग्लिश में वीडियो बनानी पड़ेगी, और आपको वो वीडियो के लिए आप पूरा वर्ल्ड यूज़ कर सकते हैं, मतलब कि पूरा धरती, मतलब कि हर देश को यूज़ कर सकते हैं। आगे चलते हैं। फिर आपने आना है ऑल सेटिंग के अंदर। ऑल सेटिंग के अंदर जाते ही सिर्फ आपने पहले बजट, बेसिकली बजट का बहुत बड़ा इशू है। आप बजट 50 रुपये रखें, ज़्यादा से ज़्यादा 50 रुपये आपका बजट होना चाहिए। ये एक कंडीशन समझ लीजिए, या स्टार्टिंग में ऐड जो भी लगाते हैं उनका बजट 50 रुपये होना बहुत ज़रूरी है। पर डे बजट आपका 50 रुपये होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड, इसके बाद है अगली ऑप्शन होगी नेटवर्क। आप किस किस नेटवर्क पे अपनी ऐड दिखा रहे हैं। मैंने यूट्यूब सर्च और यूट्यूब वीडियो पे अपनी ऐड दिखाई। मतलब यूट्यूब सर्च वो होता है, जैसे मैं आपको अभी करके दिखाता हूँ यूट्यूब के अंदर। मैंने कोई वीडियो सर्च की थी, हाउ टू इंक्रीज फेसबुक लाइक। ठीक है, मैंने ये लिख के सर्च की। अगर मेरी ऐड चल रही होती तो वो वीडियो यहाँ पे शो करती। इसे कहते हैं यूट्यूब सर्च, कि वो ऐड आपको कहाँ पे शो करे इसे कहते हैं यूट्यूब सर्च। ठीक है फ्रेंड, मेरी ऐड नीचे है, ये SEO के रिकॉर्डिंग है, या फिर ये मेरी ऐड के ऊपर लोग बहुत ज़्यादा आते हैं उसके रिकॉर्डिंग है। अब मैं आपको दूसरे का मतलब समझाता हूँ। दूसरा था YouTube वीडियो। YouTube वीडियो का मतलब ये होता है फ्रेंड्स कि जैसे कोई बंदा आया और मेरी ऐड पे क्लिक कर दिया, अब ये मेरी ऐड चल पड़ी, कितना वीडियो चल पड़ी। अगर जो नेक्स्ट वीडियो है वो ये YouTube सर्च होगी, यहाँ पे जहाँ पे मेरा कर्सर घूम रहा है अभी राइट नाउ, ये YouTube सर्च हो सॉरी ये वीडियो हो गया, कि उसे यहाँ पे ऑप्शन दिखाई देगी ऐड का कि हाँ आपकी वीडियो यहाँ दिखाई दे या ना दे, आप ये भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, इसके बाद आपने लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है तो करिए, नहीं तो इसका कोई ज़्यादा बड़ा इशू नहीं है।
उसके बाद ये सेव कर दीजिए। इसके बाद आपने क्या करना है वो देखिए, आपने यूट्यूब कैंपेन के ऊपर क्लिक करके फिर आपने ऐड के ऊपर जाना है। आपने कितनी ऐड बनाई है ध्यान दीजिएगा, जितने आप ऐड में अंदर कीवर्ड यूज़ करेंगे उतना ही अच्छा रहेगा, उतनी आपकी ऐड ज़्यादा लोगों को दिखाई देगी। वीडियो टारगेटिंग आप कर सकते हैं, वीडियो टारगेटिंग का मतलब ये होता है कि जो भी आपने ऐड बनाई है उसे आप किस एज के बंदों को टारगेटिंग कर रहे हैं, प्लस आप इसके अंदर कीवर्ड ऐड कीजिए। सबसे बेटर चीज़ यही रहती है कि आप उसके अंदर अपने कीवर्ड डालिए, जैसे कि मैंने काफ़ी कीवर्ड डाले हुए हैं, आप देख रहे होंगे काफ़ी कीवर्ड डाले हुए हैं, लोग हर कीवर्ड से मुझे सर्च कर रहे थे। तो कीवर्ड ऐड करना ना भूलिए, कीवर्ड ऐड करना बहुत ज़रूरी है। और कीवर्ड ऐड करने से सबसे फ़ायदा ये होता है कि कीवर्ड ऐड करते सीरी आपकी ऐड के अंदर जो भी आपने वीडियो बनाई है उस सारी वीडियो के ऊपर वो कीवर्ड नहीं चलते, बेसिकली जो कीवर्ड जिस ऐड के रिलेटिव होता है वही कीवर्ड वो चलेगा। मीन दैट कि आपने फेसबुक सर्च के फेसबुक लाइक के ऊपर वीडियो बनाई है तो आपने फेसबुक लाइक के ऊपर 3-4 कीवर्ड डाले हैं, वो कीवर्ड सिर्फ उसके ऊपर ही चलेंगे। अगर आपकी दूसरी वीडियो किसी और टॉपिक के ऊपर है तो वो कीवर्ड उस पर नहीं काम करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो कीवर्ड ऐड करने का सिस्टम क्या है, ये रेड बटन है इसके ऊपर क्लिक करना है। अपनी जो भी कैटेगरी है, मतलब कि मेरे दो ग्रुप है, दोनों ग्रुपों के अंदर कौन से कीवर्ड ऐड करने हैं उन पर क्लिक करना है। तो यहाँ पे कीवर्ड डाल के सिंपल नीचे सेव करना है आपको, ऊपर इतना काम है। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ आगे आपने क्या करना है। आपने ऐड ग्रुप में आना है, ऐड ग्रुप पे जाते सिरे आपने सबसे पहले नीचे आना है। आप ये देखना चाहते हैं कि कितने बंदे जो आप देख रहे हैं कि जितने बंदे आपकी ऐड को देखें वो क्लिक करें और वो ज़्यादा से ज़्यादा आपको व्यू मिले, बट आपको एक बिड करनी होती है। बेसिकली मैंने जो बिड की हुई है वो है 25 पैसा, 0.25। ठीक है फ्रेंड, मेरी बिड बहुत कम है बट 25 पैसा बिड है, वो डेली बजट 50 रुपये है, वो 6 वीडियो। तो मैं चाहूँगा कि आप अच्छी, अगर आप ज़्यादा लगाएंगे यहाँ पे पैसे तो ज़्यादा यूट्यूब आपके वीडियो को दिखाएगा, बट मैं चाहूँगा कि आप कम लगाएं, आप भी 25 पैसा 30 पैसा लगा सकते हैं और अपनी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचा सकते हैं और इसे सेव कीजिए। ये चेंजेस करने के बाद आपको 24 घंटे ऐड को स्टेबल रखना पड़ेगा विदाउट चेंजेस। इसके बाद आपकी ऐड ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी, ऑटोमेटिकली आपकी ऐड में व्यूअर बनने शुरू हो जाएंगे। अगर आगे भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है या फिर ऐड के अकॉर्डिंग आपको कोई क्वेश्चन या इंक्वायरी है तो प्लीज़ आप मेरे फेसबुक पेज पे आ सकते हैं या फिर मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर आके वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। प्लीज़ आप कोई भी इशू हो वीडियो के रिकॉर्डिंग, वीडियो ऐड के रिकॉर्डिंग या फिर आप जानना चाहते हैं SEO के रिकॉर्डिंग, तो प्लीज़ मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मैं आपके हर क्वेश्चन का जवाब देता हूँ। तो प्लीज़ ये भी वीडियो मेरे किसी फ्रेंड ने मुझे फेसबुक पर बोला है तो तभी मैंने आज बनाई ये वीडियो। तो प्लीज़ आपका कोई भी इंक्वायरी या कोई वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे ज़रूर लिखिए। थैंक यू सो मच।